हेलो दोस्तों, मैं संतोष स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्लॉगर वीडियो में। आशा करती हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी अपने परिवार के साथ कुशल मंगल होंगे। आज का जो वीडियो है वो बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं इस घर का होम टूर आपको करवाने वाली हूँ। बहुत सिंपल सा घर है, लेकिन बहुत सुंदर सा घर है, सिंपल एंड श्योर जिसको कह सकते हैं। ऐसी जगह, इतने बड़े शहर में होते हुए भी एक ऐसी जगह पे ये बना हुआ है जहाँ का माहौल बहुत शांत है, आगे पीछे खुली हवा है काफ़ी। वो तो सारी चीज़ें आप वीडियो में देखोगे तो आपको पता चल ही जाएगा, लेकिन उससे एक ज़रूरी बात मैं आपको बता दूँगी। ये जो वीडियो मैं लाई हूँ आपके लिए होम टूर का, वो बनाना कोई मेरा इसका घर दिखाना आपको इसका मकसद नहीं था। इसको बताना ये था मुझे कि हम यदि कुछ अच्छा करते हैं तो हमारे साथ अच्छा होता है। इस वीडियो के द्वारा मैं एक शिक्षा देना चाहूँगी, एक संदेश देना चाहूँगी मेरे आम व्यूवर्स को कि जीवन में जो हम करते हैं, जो हम अच्छा करते हैं, उसका रिटर्न हमेशा हमें अच्छा ही मिलता है। एक छोटा सा उदाहरण मैं अपना दूँ कि जब सोना का पीछे वाला मघर था जहाँ हम सेट थे, वो जब हमने छोड़ा तो वहाँ बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें थी जो हमने वहीं छोड़ दी, जैसे झाड़ू है, मटकी है, साबुन है, जो भी छोटी छोटी चीज़ें थी वो वहीं छोड़ दी थी। इसलिए छोड़ दी थी क्योंकि सोना के साथ एक बच्ची और रहती थी, तो हमने सोचा हम यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट होंगे, ये ले जाएंगे तो इसको दूसरी खरीदनी पड़ेगी। इसलिए हमने वो छोटी छोटी चीज़ें, काफ़ी कुछ थी लेकिन वो सारी चीज़ें वहीं छोड़ दी ताकि उस बच्ची को परेशानी नहीं हो और हम दूसरी जगह जहाँ जा रहे हैं वहाँ ले लेंगे। लेकिन आप इस घर को देखें उसके बाद बताएं मुझे कि वो छोटी छोटी चीज़ें छोड़ने के बाद मुझे कितना बड़ा फ़ायदा हुआ। तो मकसद ये है, आपको सीख ये है, संदेश ये है कि यदि हम अपना दिल बड़ा रखते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे अपनी मानसिकता को छोटा नहीं करते हैं, तो भगवान हमारे लिए एक बहुत बड़ा मौका लिए खड़ा होता है। बाहरी लोग घर का, चलिए घर में प्रवेश करते हैं। ये घर का प्रवेश, ये घर है प्रवेश। वाओ मैम, बहुत खूबसूरत सजा रखा आपने, सुंदर है ना? हाँ। बहुत प्यारा है। ये क्या मैम यहाँ पर? ये वर्क पैलेस है जहाँ ऑफिस वर्क किया जा सकता है काम। अच्छा, जो सामान है वो ऑफिस के लायक सारी चीजें यहाँ पर। कोई आलसी आदमी लगता है मुझे तो? नहीं, आलसी नहीं है, बहुत फुर्तीला बच्चा काम करता है यहाँ पर। अच्छा, जो जो उसको चाहिए वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे उसके लिए। ये ग्राफ से क्या बने हुए हैं? ये ग्राफ उसका अपना कोई वर्क है, ऑफिस। अच्छा। वर्क, ये हमारी समझ के बाहर की चीज़ है। स्क्रीन उसको चाहिए होती है शायद। अच्छा, बैठने के लिए कुर्सी तो चाहिए। भी लगा रखा है दीवार पर? पौधा लगा रखा है? नहीं, पौधा नहीं है ये। अच्छा। बस ऐसे ही फूल है, फूल है, डिज़ाइन लगाई हुई है। अच्छा, तो ये आपका एंट्री पॉइंट है। अच्छी पेंटिंग भी है यहाँ पर। हाँ, ये पेंटिंग बहुत सुंदर है, राजा महाराजाओं के टाइम की सी। यहाँ बैठ सकते हैं आप, आते ही जो मेहमान आए वो यहाँ बैठ सकता है। अच्छा, तो मैं भी बैठ सकता हूँ? हाँ, आप भी बैठ सकते हैं, ये लीजिए आपके लिए। मैं बैठ जाता हूँ? नहीं, आप यहाँ हमारे बराबर बैठ सकते हैं, यहाँ बैठ सकते हैं। ठीक है। और यहाँ बैठ कर आराम से चाय नाश्ता कर सकते हैं आप, बैठ के बातें कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो मैम, आपके घर मेहमान है। एलेक्सा, चाय लेके आओ। पीको, अहमद जी, जीनो और मारिया स्क्वायर और अन्य। इसका कहने का मतलब है चाय खुद ही बना के पी लो। तो मैं बनाऊंगी चाय। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं के साथ में, आगे चलते हैं। आगे यहाँ एक शोपीस लगाया है बहुत सुंदर सा, प्यारा सा। प्यारा है, प्यारा। और ये हमारा स्टडी रूम है बच्चों का। ओह, नाइस। इधर ये स्टडी टेबल बच्चों की, जिस पे लैपटॉप। अच्छा। भी है। ये आराम कुर्सी है जहाँ बैठ के बच्चे आराम से पढ़ सकते हैं, अपना बुक्स रखे तो सेल्फ है पास साइड में, पढ़ते पढ़ते थक जाए तो यहाँ आराम करने के लिए एक छोटा सा सोफ़ा रखा हुआ है, ताकि बच्चा थोड़ी देर रेस्ट कर ले, आराम कर ले। इसी के साथ एक छोटा सा पूजा घर भी बनाया हुआ है,
क्योंकि बच्चों को मन की शांति सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पढ़े तो कॉन्सेंट्रेशन के लिए ईश्वर की भक्ति, ईश्वर का ध्यान थोड़ा ज़रूरी है, इसलिए यहाँ पे एक छोटा सा स्थान रखा है पूजा के लिए। बाकी नॉर्मल सा घर है, साधारण सा घर है, लेकिन बहुत अच्छे से इसको डेकोर किया गया है। पेंटिंग्स बहुत अच्छी लग रही है। हाँ, यूनिक लग रही है ना, हिस्टोरिकल लग रही है। हाँ, जैसे मिस्र के पिरामिड से उठा के लाई गई हो इसको। लेकिन अच्छी है, दीवार पे पेंट किया हुआ है, ये भी अच्छा है। सब आप अच्छा बता रहे, कुछ बुरा हाँ नहीं, अच्छा है। खास बात ये इसकी अच्छी है, यहाँ पीछे से अच्छी हवा आती है ना, पीछे भी जगह दी हुई है, घर के पीछे भी जगह, आगे भी जगह है, तो दोनों तरफ से काफ़ी हवा आ सकती है। और जब आपको ज़रूरत नहीं है तो आप इसको बंद कर दे। धूप भी अच्छी आती है, देखिए आप, धूप आएगी, रोशनी आएगी। चलिए आगे चलते हैं। तो एक शांत शांत जगह, अच्छी जगह है बच्चों के पढ़ने के लिए, बहुत प्यारी जगह है। इसके बाद चलते हैं हम अपने किचन की। मैम एलेक्सा से कुछ करके दिखाइए ना। क्या गाना सुनना पसंद करेंगे आप? हाँ, एलेक्सा को बोलिए कुछ पंजाबी तड़कता भड़कता बजाए। एलेक्सा, कोई पंजाबी सॉन्ग सुनाओ। Amazon Music पर पंजाबी म्यूजिक के लिए ये रहा एक स्टेशन टॉप पंजाबी। एलेक्सा स्टॉप, बस बंद कर अपनी बकवास। ये छोटा सा किचन है हमारा, बहुत छोटा है लेकिन बहुत प्यारा है। नहीं, मुझे भी बहुत प्यारा लग रहा है। लाइटिंग सुविधा, इलेक्ट्रिक चिमनी है और छोटी सी है, वैसे छोटी सी गैस है, छोटी सी पट्टी है, पूरे फर्नीचर पूरा बना है, क्या बोलते हैं इनको, जो भी बोलते हैं, सेटअप है। यहाँ शीट है पानी धोने के लिए। सुविधा के साथ मटकी भी रख रखी है, बहुत अच्छा लगा हमें। हाँ, मटकी चाहिए हमें, देसी है ना, देसी लोगों के लिए मटकी। एक छोटी सी जगह यहाँ रखी गई है पानी के लिए, मिक्सी के लिए, छोटी भी जो चीज़ें हैं आपकी उनको आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो। हाँ, यहाँ जियो का, वरना ब्लॉगर साहब का काम, ब्लॉगर साहब का काम कैसे हो। हमारा तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी नेट को ही ज़रूरी है, इसकी ज़रूरत है। ये हमारे बेडरूम की तरफ चलते हैं हम। ये बेडरूम है हमारा, गुड मॉर्निंग, जहाँ हम ही हम हैं, जहाँ हम ही हम हैं। हेलो दोस्तों, मैं संतोष स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल ब्लॉगर वीडियो में। जी, ये चलता है, इसको बंद कर दें, आवाज इसकी कम कर दें। जहाँ, अच्छा आपने बंद ही कर दिया, बंद ही कर दिया। आगे चलते, ये भी साफ सुथरा है, छोटा सा, इसमें भी खूब हवा है, खिड़की है, दो गेट है, पीछे जाने का दरवाजा है, यहाँ से हम पीछे जा सकते हैं। मास्टर रूम है ये आपका, ये मास्टर बेडरूम है हमारा है, उधर बच्चों का, हाँ, ऑफिस बार, और ये आपका पूरा, हाँ, तीनों का, तीनों का सबसे बड़ा हमारा ये है। पीछे दिखाएं आपको। जी जरूर, एक बारी मैं मेरे, हाँ, आप बेडरूम को ढंग से देख लें। ये हमारा बेडरूम है, इधर ड्रेसिंग बनी है, चलिए अब चलते हैं आगे। वो वहाँ पर कोने में क्या, बाथरूम है वो? हाँ, बाथरूम को आते टाइम दिखाएंगे, पहले हम आपको गैलरी दिखा दें हमारी। अच्छा, सब पहले सब अच्छा अच्छा पहले अच्छा अच्छा नहीं, बाथरूम भी अच्छा ही है। अच्छा, बाथरूम में खराबी नहीं है। ये पीछे गैलरी है, गैलरी क्या खुली जगह छोड़ी गई है जहाँ आप कपड़े सुखा सकते हैं। ये ऊपर जाने का छत है, छत जाने की सीढ़ियाँ, ऊपर जाने का छत, ये सीढ़ियाँ हैं छत तक जाने की, और ये इसलिए है ताकि यहाँ और यहाँ दोनों साइड, दोनों कमरों में खूब हवा आ जाए, रोशनी आ जाए। इधर से आपको दिखता होगा, ये रूम है, दोनों रूम दिख रहे होंगे, खूब हवा है और छोटा सा एरिया है, बढ़िया। हाँ, बढ़िया व्यतीत करने, हाँ, के लिए सुबह शाम आप यहाँ बैठ सकते हैं, खुली हवा खा सकते हैं, बारिश का मज़ा भी यहाँ से आप ले सकते हैं, बारिश आती है तो अच्छा लगता है। और साधारण है वैसे, लेकिन बहुत अच्छे ढंग से इसको बनाया गया। ये पूरा फर्नीचर मुझे बहुत पसंद आया, बना के रखा गया। हाँ, ये पूरा फर्नीचर मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि इसमें इसके साथ है एक बाथरूम, अटैच बाथरूम है, देख सकते हैं आप इसको, इसको बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया गया है, एकदम मॉडर्न बाथरूम है। यहाँ पे वॉशिंग मशीन, हाँ, वॉशिंग मशीन है, गीजर भी है, नहीं पाते हैं। हाँ, गीजर है बाथरूम में और वॉशिंग मशीन है। साइड में वो कैबिनेट बना है, उसमें भी बहुत अच्छे से सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं आप।
देख लेते हैं। ओ माय गॉड, इतना सारा सामान, ये तो लग रहा है मुझे 1000-2000 का सामान चोरी किया जा सकता है। जो भी आपको लगे, एक इसकी अच्छी चीज़ और बताएं हम आपको, बेडरूम की अच्छी चीज़ ये है बेड की, कि इधर इस तरह से बॉक्स बने हुए हैं जिनसे क्या होता है कि आपको पूरा बेड उठाने की ज़रूरत नहीं। चलिए बहुत अच्छा मैम, आगे बताइए। आगे एक छोटा चाय तो बनवा लेते हैं मैम। हाँ, एलेक्सा चाय बनाएगी, तब तक हम आपको एक छोटी सी चीज़ और दिखा दें। ठीक है। ये हमारे रूम का बाथरूम था, इधर एक कॉमन बाथरूम और है। अच्छा, ये मतलब जो बाहर जो मेहमान आए, हाँ, घर से बाहर किए गए हैं या जो घर से बाहर से जो आते हैं उनके लिए एक बाथरूम बनाया गया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ताकि अंदर तक उनको बेडरूम तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। आप इसको थोड़ा सा एंगल ऐसे घुमा के दिखा सकते हैं, टाइल्स इसकी बहुत पसंद आई मुझे, नेचुरल लग रही है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलो तो अब अपन बैठ के बातें करें। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका और हमारा साथ पिछले 6 महीनों से है। इन 6 महीनों में मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत अच्छे संबंध बने आप लोगों के साथ। आपके इतने जो प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं वो मुझे मोटिवेट करते हैं। तो जो भी वीडियो में कमी लगे, अच्छा लगे, आप उस पर कमेंट ज़रूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छा करने की कोशिश कर सकूं। ये जो 6 महीने बीते हैं वो बहुत यादगार है मेरे लिए, क्योंकि इन 6 महीनों में जो भी वीडियो मैंने अपलोड किया था पूरी मेहनत से किया था और आपने उसका रिस्पांस भी अच्छा दिया। इतने कम समय में इतने व्यूवर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके लिए तहे दिल से आप सब व्यूवर्स का धन्यवाद। और इसी तरह आगे भी आप अपना साथ बनाए रखें। मिलते हैं आगे किसी और वीडियो और व्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।